ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो खाने में बहुत ही चटपटा है और इसमें यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल है जो हर घर में मिल जाते हैं। और इस रेसिपी का नाम है आलू 65। तो चलिए जल्दी से रेसिपी देखते हैं, बट इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से नीचे लाल रंग के बटन को क्लिक करके सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए जल्दी से रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 4 मीडियम साइज के कच्चे आलू और इसका छिलका हटा देंगे और क्यूब्स में इस तरह से हम कट कर लेंगे और अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब एक पैन में डालेंगे 2 बड़े कप पानी और डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक और बॉईल होने देंगे। पानी जब बॉईल हो जाए तो इसमें आलू को डाल देंगे। इन आलूओं को हम इस पानी में हाफ कुक करेंगे और बाकी हम जब फ्राई करेंगे तब उसमें पकाएंगे। अब आलू को हाफ कुक करने में मुझे 4 मिनट लगे हैं और ये देखिए इसे जब हम कट करेंगे तो ये ब्रेक हो जाता है, यानी टूट जाता है, लेकिन इसका भरता नहीं बनता है। अब इसे हम छन्नी में छानकर पानी से अलग कर लेंगे और फिर एक बोल में डाल लेंगे ताकि इसमें जो भी थोड़ा बहुत पानी लगा है वो ड्राई हो जाए। और इसके बाद इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच मैदा और साथ ही डालेंगे 2 बड़े चम्मच चावल का आटा। चावल के आटे की जगह पे आप कॉर्नफ्लोर भी यूज कर सकते हैं। इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधी छोटी चम्मच नमक। अब इसे हम अच्छे से टॉस कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे ताकि आलू अच्छे से कोट हो जाए। अब एक पैन गरम करेंगे और इसमें तेल डालेंगे। तेल गर्म होने पर हम आलू को इसमें फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम पर ही हम आलू को फ्राई करेंगे। इसे हम हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे, नहीं क्योंकि आलू तुरंत लाल हो जाएगा और क्रिस्पी नहीं हो पाएगा, इसलिए आलू को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करके निकाल लेना है। अभी आलू रेडी हो गए हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। अब एक पैन गरम करेंगे और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल और साथ ही इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। यहाँ पर मैंने 12 लहसुन को बारीक काट लिया था। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और 4 हरी मिर्च जिसे मैंने बीच से काट लिया था। इसके साथ ही इसमें डालेंगे 4 सूखी लाल मिर्च, इसे भी हम बीच से तोड़कर डालेंगे। और अब डालेंगे इसमें करी पत्ता। इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल स्लो रखनी है। इसे अब हम मिक्स कर देते हैं। अब एक बोल में लेंगे 4 बड़े चम्मच दही और इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अरारोट और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अरारोट डालने से जब हम इस मिक्सचर को गर्म पैन में डालेंगे तो ये दही फटेगा नहीं। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है और फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इस मिक्सचर को हम डालेंगे गर्म पैन में। अब इसे मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भून लेंगे जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और फिर डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक। एक बार फिर मिक्स कर देते हैं। अभी अच्छे से भून गया है। अब इसमें डालेंगे 2 बड़ी चम्मच टोमेटो केचप और फिर इसे मिक्स कर देंगे। अब अंत में हम इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ आलू और अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि मसाले आलू में अच्छे से कोट हो जाए। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये हमारा रेडी हो गया हॉट एंड स्पाइसी आलू 65। अब इसे गार्निश करते हैं कुछ फ्रेश हरी धनिया की पत्ती और 1 चम्मच रोस्टेड सफ़ेद तिल से। मैंने यहाँ सफ़ेद तिल को पहले से ही रोस्ट करके रख लिया था। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से आप भी बनाइए
हॉट एंड स्पाइसी आलू 65 जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और वीडियो के नीचे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड कीप कुकिंग।